हमको लगा ही था कि तुम जरूर हमरे बारे में सोच रही होगी। तो लो आ गए हम तुमको दर्शन कराने। मगर ये का बात हुई, तुम अपने भगवान का बात सुनती काहे नहीं हो? भगवान? भगवान नहीं, शैतान हो। तो शैतान से ना डरते हैं बुड़बक। का बोले थे हम तुमको? अपना बोरी अब इस तरह बांध के इधर से दफा होने के लिए बोले थे ना? तो फिर कौन बात नहीं, लगता है सीधा मुंह कही हुई बात तुम्हारी खोपड़िया में घुसती नहीं है। हम ना तुमको तुम्हारी सावित्री माई का लाश दिखा देते हैं, तब अकल अपने आप ठिकाने आ जाएगी। खबरदार, खबरदार जो तुमने ऐसी गलती की। करना तो दूर, सोचना भी मत। अगर तुमने अपनी गंदी जबान से ऐसी बात भी निकाली ना, तो डरती नहीं हूं तुमसे। और जानती हो क्यों? क्योंकि अब मैंने तय कर लिया है, अगर तुमने माई को मारा तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। एक बात गांठ बांध लो, जब तक माई की सांसें चल रही हैं, तुम्हारी सांसें चल रही हैं। अगर माई मेरी कमजोरी है तो अब वो तुम्हारे जिंदा रहने की वजह भी है। ए लड़की, देख। बहुत देख लिया तुम्हारा तमाशा, अब तुम धनक का कहर देखोगी। एक जमाने में पुलिस वाली रह चुकी हूं मैं, जहां तुम्हारी ये सोच खत्म होती है ना, मेरी वहां से शुरू होती है। और पता है मुझे, सावित्री माई तुम्हारा हुक्म का पत्ता है, तो इतनी आसानी से तो तुम उन्हें मारोगी नहीं। और अगर मार भी दिया तो कोई बात नहीं, असली सावित्री जाधव और नकली सावित्री जाधव की पुण्यतिथि हम एक ही दिन मना लेंगे। ये मेरा वादा है तुमसे। तो एक वादा हमरा भी सुन ले, आज से ना उल्टा गिनती शुरू कर। बहुत तड़पेगी तुम और तुम्हारी सावित्री माई। माफ करना माई, आज मैंने आपके हिस्से में तड़पना लिख दिया है, लेकिन वहां तड़प होगी तो यहां एक तसल्ली भी होगी कि आप जिंदा हैं। और यकीन मानिए, मैं जल्द से जल्द आब तक पहुंचूंगी। तनक अब ये घर छोड़ के नहीं जा रही, हमारा सारा प्लान फेल हो गया। नहीं, मरना है क्या? मैं तुमसे खुल के नहीं मिल सकता हूं। जो काम मैंने कहा है उसे चुपचाप करते रहो। और बात मत करता हूं। मतलब तू अकेला नहीं है, इस कांड में तेरा कोई साथी भी है। बता क्या प्लान कर रहे हो तुम लोग? फुरदाना का यहां रुकने से तेरा क्या प्लान फेल हो जाएगा? बता क्या साजिश कर रहा है तू? बता दाया। नहीं बताता, क्या कर लेगा? बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। ये जो तू बचकानी हरकतें कर रहे हैं ना, धनक को मुझसे अलग करने की, उसको मेरे खिलाफ भड़काने की, छोड़ दे। अगर अपने असली रूप में आ गया ना, तो ना तो तू बचेगा और ना तेरी प्लान्स। बचपन में एक आवाज हुई थी, जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते कभी नहीं, पर जब काटते हैं ना तो जान ले लेते हैं। नहीं, रुक जाओ। कुछ नहीं करोगे तुम अक्षय का? क्या कर रहे हो तुम? हाथ नहीं लगाओगे हमसे? बस
बात को समझने की कोशिश कर। जितना ऐसे तक दिखता है ना उतना सीधा है नहीं। पता नहीं क्या साजिश कर रहा है ये। अभी अभी मैंने इसको फोन पे बात करते हुए सुना है। किसी को बोल रहा था धनक कैसे बाहर नहीं गई तो उसका प्लान फेल हो जाएगा। किससे बात कर रहा था? क्या प्लानिंग कर रहा था? रघु, अक्षय, ये जो रघु कह रहा है सच है? हाँ धनक, ये सच है। लेकिन मेरी पूरी बात ध्यान से सुनो। तुमने ये घर छोड़ने का प्लान बनाया था कि नहीं? ये फैसला लिया था कि नहीं? मैं नहीं चाहता था धनक कि तुम वापस जाके उस चौल में रहो, इसलिए मैंने अपने दोस्त को बोला कि तुम्हारे लिए एक घर अरेंज करे। फिर तुम्हारा प्लान कैंसिल हो गया। मैं अपने दोस्त को वही बोल रहा था कि हमारा प्लान कैंसिल हो गया है। और धनक सच बोलूं, मुझे ना इन लोगों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, और खासकर इस रघु पे। मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहता था, मुझे उस दोस्त से मिलने जाना था। और मैं उसको यही बोल रहा था कि अब मैं मिलने नहीं आ पाऊंगा, हमारा प्लान कैंसिल हो गया है। और इसी बीच में इसने मुझे उससे बात करते हुए सुन लिया और सीधे मारना स्टार्ट कर दिया। लेकिन तुझसे एक्सपेक्ट भी कौन क्या करेगा, जाहिल गवार। झूठ झूठ बोल रहा है। रघु बस करो, क्या हो गया तुम्हें? जो निर्दोष है उसमें तुम शक किए जा रहे हो, और जो कान पे कान करे उसको आंखें खोलकर देखो। रघु, कौन दोस्त है कौन दुश्मन समझने की कोशिश करो। कहीं ऐसा ना हो जिसे तुम अपना समझकर गले लगा रहे हो वही तुम्हारी पीठ पर छुरा भोंक दे। ये घुमा फिरा के क्या बात कर रही है? साफ बोलना, क्या बोलना चाहती है? बताती हूँ, सब साफ साफ बताती हूँ तुम्हें। कल रात में मैंने माई को सपुताई को बोलते सुना कि क्या कमाल का काम किया है, शाबाशी दे रही थी। ऐसा कौन सा काम था जिसकी शाबाशी रात में छुप कर देनी थी, सबके सामने नहीं दे सकती थी? बताइए सपुताई। माई क्या बोल रही है? माई अपनी दवाई भूल गई थी, इसलिए मैं दवाई देने गई थी ना। क्या इतनी छोटी सी बात थी वो? सपुताई, तुझे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं, ठीक है? कुछ नहीं बोलेगी तो। ए रघु, अरे और कितना इंसल्ट करवाएगा तू? निकाल दो इस लड़के को घर से बाहर। नहीं जाऊंगी, ना मैं कहीं जाऊंगी ना अक्षय कहीं जाएगा। एंड दैट्स फाइनल। क्यों क्यों रहना चाहती तू इधर? तेरे को मुझसे प्रॉब्लम है, मेरी भाई से प्रॉब्लम है, सगुताई से प्रॉब्लम है, फिर क्या करना है तेरे को इधर? तनक, तू अपनी हद पार कर चुकी है। और तू सही बोलता है, तू बहुत चीजें मेरी नजर में नहीं आती, लेकिन शायद इसलिए क्योंकि मैं उनको नजरअंदाज होने देता हूँ। लेकिन आज आज मुझे सब कुछ समझ आ गया है। वाह, अब रघु को लग रहा है कि धनक और अक्षय के बीच में कुछ चल रहा है, अब आएगा मजा। रघु तुम ये क्या? धनक, आई स्वेयर मेरी गलती नहीं है। जानती हूँ अक्षय, तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। चलो, इसे एक बात तो तय हुई कि तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है, और अब इस फिक्र को प्यार में बदलने का जिम्मा मेरा। रौनक, 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 हॉल में भी नहीं है, यहां भी नहीं है, तो फिर तो एक वादा हमरा भी सुन ले, आज से ना उल्टा गिनती शुरू कर। कहीं उस नकली माई ने रौनक को, हे भगवान, रौनक, रौनक, रुक जाओ।
देख रहा है? अब अपने ही घर में अपने पोते के साथ मैं खेल भी नहीं सकती क्या? झूठ बोल रही है रघु, सफेद झूठ बोल रही है। ये रौनक के साथ खेल नहीं रही थी, बंदूक टांग के खड़ी थी ये रौनक पे, मेरे रौनक को। रघु ये हमारे रौनक को मार देना चाहती। मैं मम्मा, दादी और मैं जो पुलिस कर रहे थे। सुना सुना रघु, तू अपने हाथों से देख ये घोड़ा असली है कि नकली है। देख हुई तसल्ली, क्या सोचती क्या है तू? क्यों वीरान बनाना चाहती है मेरी माई को? नहीं रघु, मैं तो क्या मैं? क्या मैं? तू साबित क्या करना चाहती है मेरी माई को? अपने पोते का खून करेगी वो, इतनी गई गुजरी है। धनक, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तू मेरी माँ पे इतना घटिया इल्जाम लगा सकती है। घिन आती है मुझे तेरी सोच पे। मैं गलत नहीं सोच रही हूँ रखो, तुम्हारी आंखें बंद है तो तुम देख नहीं पा रहे हो। अगर मेरी आंखें बंद है तो तेरी तो खुली है ना, तो दिखा मुझे क्या सच है। बस करो मम्मी पापा, आप दोनों बुरे हो, हमेशा झगड़ते हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मम्मा आपने बोला था ना, जब मेरे पापा आएंगे तब हमारी फैमिली हैप्पी फैमिली हो जाएगी। अब हमारी फैमिली हैप्पी फैमिली नहीं है। अगर आप दोनों आपस में प्यार नहीं करते तो आप मुझे कैसे प्यार करेंगे? रौनक ऐसा नहीं है बेटा। लो मम्मा कान पकड़ कर आपको सॉरी कहती है और प्रॉमिस करती है कि आज के बाद वो पापा से कभी लड़ाई नहीं करेगी। एकदम करेक्ट है, आज से मम्मी पापा कभी लड़ाई नहीं करेंगे और आज से हमारी फैमिली हैप्पी फैमिली बनकर रहेगी, बिल्कुल वैसे जैसे रौनक ने अपनी ड्राइंग में बनाई थी। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। तूने बोल तो दिया कि तू अपनी फैमिली को हैप्पी फैमिली बनाएगी, लेकिन कैसे? शक और गुस्से की नींव पर हंसता खेलता परिवार कैसे खड़ा करेगी तू? धनक, सालों से जानता हूं मैं तेरे को, तू ऐसी नहीं थी। अचानक क्या हो गया है तेरे को? पापा ने इतनी प्यारी गृहस्थी दी है, तू काहे को उसको बर्बाद कर रही है? तुम्हारा जो नसीब है ना, बहुत ही घटिया है। संभल के देना, क्या कर रही है तू? अगर इस शातिर औरत को मात देनी है तो तुझे इसी के अंदाज में जवाब देना होगा। जिस बातों में बहेगी तो सब कुछ खो देगी। बी अलर्ट, अगला दांव होशियारी से खेलना। जहां तक वो देख सकती है वहां से कई आगे तेरी शुरुआत होनी चाहिए धनक। शंख की आवाज, ये कहां से आ रही है? सारा पहले इस घर में शांति नहीं, ऊपर से जय देवी सावित्री माई, तुम जैसी कोई दुनिया में ना आई। जय देवी सावित्री माई, कृपा हो तेरी तो समृद्धि आए। जय देवी सावित्री माई, तुझ जैसी कोई दुनिया में ना आई। जय देवी सावित्री माई, कृपा हो तेरी तो समृद्धि आए। जय देवी क्या नाटक है? नाटक नहीं है रघु, जो कुछ भी कर रही हूँ दिल से कर रही हूँ, समझ लो अपनी गलती का प्रायश्चित कर रही हूँ।
बहुत गलत किया मैंने। जो देवी जैसी माई पर न जाने कितने दोष लगाए, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब माई को वही सम्मान मिलेगा जो घर में बड़े बुजुर्गों को मिलना चाहिए। पूजा होगी इनकी, आरती होगी। माई, मुझे यकीन है कि आप मेरी हरकतों को मेरा बचपना समझकर माफ कर देंगी। त्योहार का मौसम है माई, सब लोग अपनी जिंदगी नए सिरे से जी रहे हैं, तो चलिए ना आज से हम भी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। धनक, क्या तुम वाकई में? शक है तुम्हें रघु? अभी भी कहते हैं जब जागो तब सवेरा, समझ लो आज से हमारी जिंदगी में भी एक नया सवेरा हुआ है। आज से कोई लड़ाई नहीं और कोई झगड़ा नहीं। थैंक यू मम्मा, अब कोई फाइटिंग नहीं, मतलब घर में सब हैप्पी। बिल्कुल। ये कड़वा करला अचानक मीठा करना कैसे बन गया? माई की तो निकल पड़ी, पांचों उंगलियां घी में और सर कड़ाई में। लो, झुक गई मैं तुम्हारे पैरों में, लेकिन मेरे झुकने को मेरा टूटना समझने की गलती मत करना। आज से तुम्हारी भाषा में बोलूंगी। जिस दिन तुम्हारी असली पहचान मेरी पकड़ में आई, समझ लेना तुम्हारी गर्दन और मेरा हाथ, खेल तब खत्म होगा। हमको पता तो चले तुम्हारे भेजे में का चल रहा है। ससुरी कुत्ते का दुम है, अचानक सीधी कैसे हो गया? संभाल कर रहना पड़े हमको। क्या हुआ माई? सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद नहीं देंगी मुझे? हाँ माई, देना आशीर्वाद। सदा सुहागन रहो।